पिछली बार करीब 55,000 वोटों से अमेठी का चुनाव स्मृति ईरानी से हारने वाले राहुल गांधी ने इस बार बिना अमेठी में उतरे बीजेपी की स्मृति ईरानी को बांध दिया है। कांग्रेस ने अब इस अमेठी सीट से पुराने कार्यकर्ता जो करीब 45 सालों से अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं उन्हें टिकट दिया। कांग्रेस का यही दांव स्मृति ईरानी को पच नहीं रहा क्योंकि अब स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अमेठी के लोकल मुद्दों पर जवाब देना होगा। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने हाल ही में अमेठी और रायबरेली का विस्तृत दौरा किया। अमेठी के चप्पे चप्पे पर पहुंचे अजीत अंजुम ने जब लोगों की नब्ज टटोली तो महसूस हुआ कि इस बार हवा कांग्रेस के पक्ष में है। ज्यादातर लोग इस सीट से इस बार कांग्रेस को चुनाव जितवाने की बात कहते दिखाई देते हैं। कई लोग तो इस चुनावी यात्रा में ऐसे भी रहे जो पिछली बार स्मृति ईरानी को चुनाव जितवाकर उसे अपनी गलती मान रहे हैं, इस बार अपनी उस गलती को ठीक करना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम की रिपोर्ट की माने तो पिछली बार करीब 55,000 से जीतने वाले स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से करीब 1,00,000 वोट से चुनाव हारने वाली है। इसकी दो वजह है। एक वजह ये है कि पिछली बार की तुलना में इस बार कांग्रेस ज्यादा आक्रामक है। कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत अमेठी और रायबरेली में झोंक दी। अपने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में उतार दिया। हजारों कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। खुद प्रियंका गांधी ने सब कुछ छोड़कर अपना सारा फोकस अमेठी और रायबरेली में सीमित कर दिया। प्रियंका गांधी हर दिन करीब 20 गांव का दौरा कर रही हैं। छोटी बड़ी बड़ी करीब 15 जनसभाएं रोज प्रियंका गांधी कर रही हैं। दूसरी बड़ी वजह ये है कि इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी के साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। जो वादे उन्होंने 5 साल में किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। अमेठी को सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाए गए जिसकी वजह से अमेठी के लोग वापस कांग्रेस के पास लौटना चाहते हैं। इन सब के अलावा एक और बड़ी वजह है जो कांग्रेस को इस सीट से भारी बहुमत दिलाती हुई दिखाई देती है और वो ये कि कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा अमेठी के लिए बहुत पुराने नेता हैं। घर घर लोग किशोरी लाल को जानते हैं। कांग्रेस में इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी से लेकर अब तक पिछले 45 सालों से अमेठी किशोरी लाल शर्मा की कर्मभूमि रही है। इस संसदीय क्षेत्र का हर काम जो भी हुआ वो किशोरी लाल ने ही करवाया। लोग उन्हें जानते हैं और वो लोगों को जानते हैं। एक और बड़ी बात जो बीजेपी की स्मृति ईरानी को खल रही है वो ये कि उनके पास राहुल गांधी पर बोलने के लिए बहुत कुछ हो सकता है मगर किशोरी लाल के खिलाफ बोलने के लिए स्मृति ईरानी के पास कुछ नहीं है। अमेठी में किशोरी लाल की छवि सिर्फ काम करवाने की रही है, उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं जिस पर स्मृति ईरानी कुछ कह सके। यही वजह है रायबरेली से लड़ रहे राहुल गांधी ही स्मृति ईरानी की चर्चा का केंद्र बने हैं जबकि अमेठी में किशोरी लाल शर्मा स्मृति से पिछले 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। जवाब दीजिए, स्मृति ईरानी आपने क्या किया? स्मृति पूछ रही है कि राहुल ने क्या किया। अब अमेठी को तय करना है कि वो क्या करेगी।